नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस टाटा पंच के बारे में। और ये पहली ऐसी गाड़ी है टाटा मोटर्स की तरफ से जो बोर्न ईवी है, क्योंकि इसका जो प्लेटफॉर्म है इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है इस इलेक्ट्रिक कार के लिए। पहले जितनी भी आपको ईवीज मिल रही थी जैसे टियागो, टिगोर, नेक्सॉन, वो सभी आईसी इंजन के प्लेटफॉर्म पे डिज़ाइन की गई थी, लेकिन अब ये जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, तो इसको आप बोर्न ईवी जो है बोल सकते हैं। और इसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और अगर आप टाटा मोटर्स का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं तो मेट्रो मोटर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल आपको सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो शुरुआत इसके वेरिएंट से करते हैं। तो पंच ईवी के अंदर टोटल आपको तीन वेरिएंट देखने को मिलेगा, जो स्टार्टिंग रहेगा स्मार्ट, देन एडवेंचर, फिर आ जाएगा एम्पावर्ड। और इनके अंदर आपको फर्दर जो है कस्टम पैक्स मिलते हैं। अभी ये मेरे पास टॉप वेरिएंट है, तो एम्पावर्ड के बारे में ही बात करते हैं। एम्पावर्ड के अंदर जो स्टार्टिंग रहेगा एम्पावर्ड, देन एम्पावर्ड एस आ जाएगा जहाँ पे सनरूफ आपको मिल जाती है, फिर आ जाता है एम्पावर्ड प्लस, और फिर आ जाएगा एम्पावर्ड प्लस एस। तो अभी ये जो मेरे पास है ये इसका एम्पावर्ड प्लस एस वेरिएंट है, बिल्कुल टॉप वेरिएंट। कलर ऑप्शंस की बात करें तो बेसिक वेरिएंट के साथ तो आपको एक सिंगल ऑप्शन मिलेगा, फिर आपको चार ऑप्शंस मिल जाते हैं, और इस टॉप वेरिएंट के साथ जो है टोटल आपको पांच कलर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ये अभी जो मेरे पास है ये एम्पावर्ड ऑक्साइड कलर है, और इस कलर की जो शेड है वो काफ़ी अच्छी है, देखने में जो कलर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा आपको वाइट, ग्रे, रेड और सीविड ग्रीन, तो ये टोटल पांच कलर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो ये हो गई बात इसके वेरिएंट और कलर के बारे में। अब एक डिटेल्ड वॉकराउंड कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ टाटा मोटर्स ने ऑफर किया है इस न्यू पंच ईवी के। तो शुरुआत कार की से करते हैं, तो कुछ इस तरह की आपको मिलेगी जो टाटा मोटर्स की सभी कार्स के साथ मिलती है। इधर की तरफ टाटा का लोगो, इस तरफ लॉक अनलॉक फॉलो मी लाइट्स और बूट अनलॉक के कंट्रोल्स जो हैं आपको वो दे दिए गए हैं। और जब भी आप एक इलेक्ट्रिक कार प्लान करते हैं तो सबसे पहले माइंड में आता है कि रेंज कितनी निकल के आएगी, तो मैं आपको सबसे पहले रेंज बता देता हूं। तो यहां पे दो बैटरी पैक के ऑप्शन मिलते हैं, एक मीडियम रेंज एक लॉन्ग रेंज। मीडियम रेंज की जो बैटरी पैक है वो 25 किलोवाट आर का मिलता है, और वहां पे कंपनी जो माइलेज क्लेम करती है, रेंज जो क्लेम करती है 315 किलोमीटर्स की। और फिर एक बड़ा बैटरी पैक मिलता है जिसको लॉन्ग रेंज बोला गया है, तो वहाँ पे बैटरी पैक का जो साइज़ है 35 किलोवाट आर, और वहाँ पे जो कंपनी रेंज क्लेम करती है 421 किलोमीटर्स। चार्जिंग के अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलते हैं, कितना टाइम लगता है वो सामने स्क्रीन पर मैं डाल देता हूं, तब तक आप ये देख लीजिए। और मैं साथ ही आपको बताता हूं कि कौन कौन से ऑप्शन है। एक तो आपको रेगुलर चार्जर मिलता है, पोर्टेबल चार्जर या वॉल बॉक्स आप जिसको बोल देते हैं, 3.3 किलोवाट का। फिर एक मिलता है आपको एसी फास्ट चार्जर 7.2 किलोवाट का, और फिर एक डीसी चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है, तो आप इन सभी से इसको जो है चार्ज कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो है बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, ये नया प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया गया है ईवी के लिए, जिसके ऊपर आने वाली सभी कार्स जो हैं टाटा मोटर्स डिज़ाइन करने वाला है, और बोर्न इलेक्ट्रिक आप इसको बिल्कुल यहाँ पे बोल सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया। तो सबसे पहले इसका फ्रंट लुक आप देखिए, हालांकि इसका जो अपर वर्जन है मतलब जो नेक्सॉन आती है उससे कहीं ना कहीं मैच करती है, क्योंकि यहाँ पे उसी तरह का फेशिया आपको दिया गया है, लेकिन जो लुक्स हैं इसके वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, और इस कलर के साथ भी जो लुक्स हैं काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। एक बार मैं लाइट्स ऑन करता हूँ और आप देखिए, तो ये देखिए कि कितनी अच्छी ये लगती है। और टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे सिक्वेंशियल मिल जाएंगे, आप इसको लॉक करते हैं तो वो एनिमेशन जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, गुड बाय और वेलकम साइन, तो ये जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगता है। सबसे पहले मैं इसकी डायमेंशन आपको बता देता हूँ, तो ओवरऑल इसकी जो विड्थ रखी गई है 1742 mm आपको यहाँ पे विड्थ देखने को मिल जाएगी। और फिर इसकी गाड़ी के लुक्स को एनहांस करता है ये कनेक्टेड LED टेल लाइट्स, जो इसके सॉरी टेल लाइट्स हैं, कनेक्टेड LED DRLs, और ये जो डिज़ाइन है इसका ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। और यहीं पे आपको जो बिल्ट इन इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दे दिया गया है ये LED आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइट्स, और नीचे की तरफ आपको LED फॉग लैंप्स जो हैं ऑफर कर दिए गए हैं, ये आपको एयर कर्टन्स जो हैं देखने को मिल जाएंगे। और ये जो कम्प्लीट है यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश का यूजेस किया गया है, और इस तरह से जाके उधर की तरफ ये कनेक्ट कर देता है। फिर इस पार्ट को आप देखें तो अभी यहाँ पे जो लोगो है टाटा मोटर्स का वो भी चेंज कर दिया गया है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का लोगो आप देखने को मिलेगा। पहले आपको जो लोगो था ये 3D मिलता था, मतलब फिजिकली आप इसको टी को टच कर सकते थे, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया है। और चार्जिंग का जो स्लॉट आपको दे दिया है वो सामने की तरफ दे दिया है, तो मैं अभी एक बार आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बटन दिया गया है, तो इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो जो है ये ओपन हो जाएगा। और फिर कुछ लोगों को ये डाउट है कि अगर इन केस अगर आपकी गाड़ी का जो है
बैटरी डाउन हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है या वो वर्क नहीं करता किसी भी रीज़न से, तो फिर आप इसको किस तरह से ओपन करेंगे? तो उसके लिए क्या है, टाटा मोटर्स ने अलग से आपको एक मैकेनिकल जो है वो दिया है। तो ये जो स्ट्रैप आप देख रहे हैं इसको खींचिए और जो आपका ये फ्यूल लीड है जो चार्जिंग के लिए दिया गया है ये ओपन हो जाएगा। और टाटा मोटर्स ने दिखाया कि यहाँ पे आपको फ्रंक मिलता है 17 लीटर्स का, लेकिन एज सच मुझे तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये प्रॉपरली ना बोल्ट्स यहाँ पे लगे हुए हैं तो प्रॉपरली कवर्ड है, तो यहाँ पे एज सच कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और यहीं से जैसे मैंने आपको बताया इसको खींच के आप इसको ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये बेसिकली अगर आप सिर्फ एसी चार्जर लगा रहे हैं या होम चार्जर से चार्ज कर रहे हैं तो इसका यूज़ करेंगे, डीसी पे आप दोनों को यूज़ करने वाले हैं। तो आपको ये किस तरह का लगा जो नया ये चेंज यहाँ पे किया है टाटा मोटर्स ने? और देख के भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे कुछ कार के अंदर जो है ये ऑलरेडी आता है क्लोज, इसको जो है आप मैन्युअली यहाँ से कर सकते हैं। और इस टॉप वेन के साथ 360 डिग्री कैमरा मिलता है, तो फ्रंट कैमरा यूनिट जो है आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। उसके बाद जब फ्रंट बम्पर आप इसका देखते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह की वर्टिकल लाइंस आपको दिखाई देंगी और जो चिन गार्ड है यहाँ पे सिल्वर फिनिश जो है आपको देखने को मिलने वाली है। तो ओवरऑल जो फ्रंट लुक्स हैं वो काफ़ी अच्छे दे दिए गए हैं। जो हेडलाइट्स आपको मिलते हैं ऑटोमेटिक मिलते हैं, साथ ही वाइपर्स जो हैं वो रेन सेंसिंग देखने को मिल जाएंगे। ये जो है अभी ड्यूल टोन के साथ में है, तो एडवेंचर से जो है आपको ड्यूल टोन के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जो रूफ़ है वो ब्लैक कलर की आपको मिलती है। अब इस गाड़ी की लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो लेंथ जो है यहाँ पे 3857 mm आपको ऑफर कर दी गई है। अब एक बार इसका टायर साइज़ आप यहाँ पे देख लीजिए, तो इस टॉप वेरिएंट के साथ जो है आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। टायर प्रोफाइल 195/60 आपको मिलेगा और जो टायर्स हैं ये लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर्स आपको मिलते हैं। सामने भी डिस्क और पीछे भी डिस्क मिलेगा इस लॉन्ग रेंज के साथ, और अगर आप जा रहे हैं इस मीडियम रेंज के साथ तो वहाँ पे रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स दे दिए गए हैं। ऑल अराउंड आपको स्कर्टिंग्स दे दी गई है, इनडोर्स पे भी स्कर्टिंग मिल जाएगी। और ग्राउंड क्लियरेंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो नॉर्मल IC इंजन के साथ 187 mm मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर कर दी गई है। और एक चीज़ आप और नोट करेंगे कि जैसे नेक्सोन के अंदर आपको अलग से वायर्स वगैरह दिखती है, तो यहाँ पे कहीं भी आपको ऐसी वायर वगैरह जो है नहीं देखने को मिलने वाली है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके साथ ही वाटर वेडिंग कैपेसिटी जो है 350 mm आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ORVMs जब आप देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल ये रहने वाले हैं। LED ब्लिंकर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ है। इस तरह के ORVMs ऑलरेडी आपने काफ़ी कार्स के अंदर देख ली है। और साइड कैमरा यूनिट जो है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। हैंडल्स जो हैं वो बॉडी कलर्ड आपको मिलते हैं, ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर, ये कंप्लीट जो है आपको ब्लैक मिलने वाला है। रूफ रेल्स भी आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे दे दी गई हैं। और ग्लासेस का साइज़ जो है वो भी ठीक रखा गया है, तो अंदर भी जो लाइट है वो प्रॉपर तरीके से जाने वाली है। अब एक बार रियर लुक आप इसका देखिए, तो जैसे इसको ऑन करते हैं एक बार लाइट्स, तो कुछ इस तरह की लाइट्स आपको मिलेंगी। ये ट्राई एरो पैटर्न का डिज़ाइन आपको मिलता है। बिल्कुल टॉप से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाएगा, देन इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैंप, रियर शील्ड पे आपको वाइपर वॉशर डिफोगर वो सब मिल जाएगा। ये नया टाटा का लोगो और यहाँ पे रियर कैमरा, पंच EV जो है इस ब्लैक फिनिश के साथ यहाँ पे लिखा गया है और इस कलर के ऊपर ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। टेल लाइट्स जब आप देखते हैं तो LED आपको मिलने वाली है, ये इंडिकेटर्स मिल जाएंगे जो रेगुलर बल्ब आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है। बैक लाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और रियर बम्पर जब आप इसका देखते हैं तो अगेन जो स्किड प्लेट्स हैं वो इस सिल्वर फिनिश के साथ मिलती हैं, और काफ़ी अच्छा खासा पार्ट जो है इस मैट ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिलेगा। ये रिफ्लेक्टर्स आपको मिलते हैं, दो सेंसर्स दिए गए हैं जो रिवर्स पार्किंग में अगेन आपकी हेल्प करने वाले हैं। अब एक बार बूट भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से जो है बूट आप एक्सेस कर पाएंगे। बूट स्पेस जो है 366 लीटर्स का आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कोई भी स्पेयर व्हील आपको नहीं मिलने वाला है, आपको जो पंचर रिपेयर किट है वो मिल जाएगी। और ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र आपको दिया गया है, तो यहाँ पे टूल किट वगैरह जो है वो सब आप रख सकते हैं। नाइट यूजर्स के लिए बूट लैंप आपको मिल जाएगा। हुक दे दी गई है जिनकी कैपेसिटी जो है 1 kg रखी गई है, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। सीट फोल्ड करना चाहें सीट को फोल्ड कर सकते हैं, 100% फोल्डेबल ये रहने वाली है। अब मैं आपको इसकी रियर सीट पे ले चलता हूँ और देखते हैं कि क्या कैसा कुछ कम्फर्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो उसके लिए गाड़ी को अनलॉक करते हैं। और टेल लाइट्स पे एक चीज़ जो आप और देखोगे तो यहाँ पे ये टाटा जो है आपको लिखा दिखाई देने वाला है। सो सी पिलर पे हैंडल्स जो है माउंटेड है, और जब आप डोर्स ओपन करते हैं तो 90 डिग्री डोर ओपनिंग रहती है, तो ईजिली आप अंदर एंटर कर पाएंगे और बाहर की तरफ निकल पाएंगे। डोर ट्रिम्स जब आप देखते हैं तो इस ब्लैक और इस लाइटर शेड का यूजेस दिखाई देगा। हर जगह प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है, सॉफ्ट टच आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे जो है आपको दे दिया गया है ये बोतल होल्डर। अब एक बार सीट्स आप देख लीजिए, तो लेदर फील सीट्स आपको मिलेंगी। इस ग्रे और लाइटर शेड का यूजेज जो है आपको देखने को मिलने वाला है।
ओवरऑल जो क्वालिटी वगैरह है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। सामने वाली जो सीट्स हैं वो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, ऐसे देख के आपको लग रहा होगा कि स्पेस कम है। मैं आपको अंदर की तरफ बैठ के दिखा देता हूँ एक बार। सो जैसे ही अंदर की तरफ बैठते हैं तो मैं एक बार डोर क्लोज कर लूँ। सो आप स्पेस देखिए, सबसे पहले थाई सपोर्ट आप देखिए, थाई सपोर्ट जो है भाई काफ़ी अच्छा दिया गया है, बैठते ही फील होता है कि सीट्स जो है कंफर्टेबल है। उसके बाद लेग रूम भी आपको प्रॉपर मिलता है, क्योंकि जो व्हील बेस है 2.4-4.5 mm आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बैक में पॉकेट्स जो हैं वो भी आपको यहाँ पे ऑफर कर दी गई हैं। हेडरेस्ट जब आप देखते हैं तो दो हेडरेस्ट आपको मिल जाएंगे, एडजस्टेबल ये रहने वाले हैं। तीनों पैसेंजर्स के लिए 3-point सीट बेल्ट आपको मिल जाती है। सेंटर में एक आर्मरेस्ट दिया गया है जिसकी पोजिशनिंग जो है अच्छी रखी गई है, लेकिन कप होल्डर्स जो हैं वो यहाँ पे मिसिंग है, और थोड़ी सी विड्थ अगर और कर दी जाती तो और ज़्यादा ये कंफर्टेबल हो सकता था। अब एक बार रिक्लाइन एंगल भी आप देख लीजिए। सो रिक्लाइन एंगल जो है वो भी ठीक है, और ऊपर की तरफ हेडरूम जो है वो भी आपको ठीक मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रूफ़ है इसको थोड़ा ऐसे अंदर की तरफ कर्व कर दिया गया है। सामने वाले हेडरेस्ट जो है ये भी एडजस्टेबल आपको मिल जाएंगे। सीट बेल्ट जो है वो फिक्स रखी गई है, हालांकि ये सीट जो है मैंने थोड़ा पीछे की तरफ रखी है, और इनकी विड्थ भी आप देखिए काफ़ी अच्छी खासी विड्थ जो है सीट की यहाँ पे ऑफर कर दी गई है। उसके बाद यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पेस मिलता है, मोबाइल वगैरह रख सकेंगे आप, लेकिन कोई भी चार्जिंग के लिए पोर्ट वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। अब मैं आपको इसकी ड्राइवर सीट पर ले चलता हूँ। सो ये अच्छी बात है कि ओपनिंग जो है डोर की वो 90 डिग्री है, तो आप आराम से अंदर जा सकते हैं और आ सकते हैं। इधर की तरफ एक्सेस बटन मिल जाएगा, तो यहाँ से लॉक अनलॉक आप कर सकते हैं, और डॉट ईवी जो है इधर की तरफ और उधर की तरफ दोनों तरफ आपको देखने को मिलता है। जब आप डोर ओपन करते हैं तो सेम अगेन आपको ड्यूल टोन के साथ देखने को मिलती है। ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल, मिरर्स के एडजस्टमेंट, फोल्डिंग के कंट्रोल, और इनर जो हैंडल है सिल्वर फिनिश के साथ मिलते हैं। अब एक बार सीट आप देखिए, तो यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट आपको मिलने वाली है, यहाँ से मैनुअली हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं ड्राइवर और को ड्राइवर, तो गर्मियों में इनका भरपूर आनंद जो है आप ले सकेंगे। अब चेक कर लेते हैं इस कार के इंटीरियर्स। सो जब इंटीरियर्स आप देखते हैं, ड्यूल टोन के इंटीरियर्स आपको देखने को मिलेंगे। इस ब्लैक और इस लाइटर शेड का यूज़ किया गया है, हर जगह आपको हार्ड प्लास्टिक मिलने वाला है, सॉफ्ट टच कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। फिट एंड फिनिश जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है, पर्टिकुलरली इस वेरिएंट के अंदर तो मुझे ऐसा कोई भी इशू जो है नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ पूरा पैनल। अभी एक बार इग्निशन ऑन करते हैं, तो इधर की तरफ आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है। सो मैंने ऑन कर दिया, और अब देखिए आप इसका स्टेयरिंग व्हील, तो आपको ये इल्यूमिनेटेड स्टेयरिंग व्हील यहाँ पे देखने को मिलता है। अभी जैसे इसके ऊपर ये स्क्रैचेस वगैरह आ गए तो इसको आपको कवर्ड जरूर करा के रखना पड़ेगा। इधर की तरफ क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाएगा, सामने का जो व्यू वगैरह है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इधर की तरफ मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स जो हैं आपको वो भी ऑफर कर दिए गए हैं। और एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो टिल्ट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर मिलता है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं दिया गया है। पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं बेसिकली रीजनरेशन के लिए, जो सिर्फ आपको लॉन्ग रेंज के साथ यहाँ पे मिलेंगे। सामने की तरफ जब आप देखते हैं तो ये 10.25 इंचेस का ड्राइवर डिस्प्ले आपको मिलने वाला है, जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा, और अपने हिसाब से आप इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरह भी आप देखना चाहें आप देख पाएंगे। अब सेंट्रल कंसोल देख लेते हैं, तो सेंट्रल कंसोल जब आप देखते हैं तो यहाँ पे 10.25 इंचेस का ये टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आपको दिखाई देगा। ओवरऑल इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है। एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो की वायरलेस कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही arcade.ev एक आपको मिलता है, बेसिकली ये इसका ऐप स्टोर है जिसके अंदर काफ़ी सारी ऐप्स आपको मिलती हैं, तो अगर आप कहीं खड़े हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप परचेज़ करेंगे, एक्टिवेट कराएंगे, तो फिर आप इसको यूज़ कर पाएंगे। हारमन का म्यूज़िक सिस्टम आपको मिलता है, टोटल 4 स्पीकर, 2 ट्विटर्स आपको दिखाई देंगे। फिर नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ आपको कम्प्लीट ये यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ से जो है आप सामने जो मैंने इसका जो जहाँ से आप चार्ज करोगे उसको ओपन यहाँ से इससे इसका यूज़ करके आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे कंट्रोल्स एसी के, बूट अनलॉक के लिए, लॉक अनलॉक के लिए, डिसेंट कंट्रोल, फॉग लाइट्स के लिए, 360 डिग्री कैमरा, तो कैमरा की क्वालिटी आप देख लीजिए। अभी ये डोर जो है प्रॉपरली क्लोज नहीं है। सो कैमरा की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, अपने हिसाब से आप इसका व्यू वगैरह जो देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी भी यहाँ पे अच्छी रखी गई है। तो ये सारे एसी के कंट्रोल्स मिलते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो एक 12 वोल्ट का सॉकेट, और उसके साथ ही ए टाइप और सी टाइप चार्जिंग पोर्ट्स आपको मिलते हैं, और उसके साथ ही एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी आपको मिल जाएगा। और इसको प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया है अच्छे से, तो दूसरी कार्स में जो इशू आता था वो मेरे हिसाब से इसके अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस तरह से डिज़ाइन किया गया है तो आपका मोबाइल यहाँ पे प्रॉपरली रखा जाएगा। फिर इस पार्ट को जब आप देखते हैं
तो यहाँ पे सेम आपको ये नोब दिखाई देगी जो आपने पहले नेक्सोन के अंदर देखी है, और काफ़ी विजिबल जो है ये रहने वाली है। सो आप इसको यूज़ करके जो रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव अपने हिसाब से कर सकते हैं। साथ ही ड्राइव मोड्स भी आपको मिलते हैं इको सिटी स्पोर्ट्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको देखने को मिल जाएगी विद ऑटो होल्ड, कुछ स्पेस दिया गया है इधर की तरफ कप होल्डर, सेंटर में एक आर्म रेस्ट है, हालांकि इसका साइज़ छोटा है, सिर्फ ड्राइवर ही इसको यूज़ कर पाएगा, और इसके ऊपर भी आपको ये लेदर फील जो है देखने को मिल जाएगी। अंदर की तरफ हल्का सा स्टोरेज मिल जाएगा, कुछ छोटा मोटा रखना चाहें तो वो आप रख पाएंगे। ग्लोबॉक्स का स्पेस जब आप देखते हैं तो ग्लोबॉक्स का स्पेस भी डिसेंट है, कूल्ड ग्लोबॉक्स आपको मिलेगा, और ऊपर अलग से आपको टैबलेट होल्डर जो है वो दे दिया गया है, साथ ही इल्यूमिनेटेड भी आपको ये मिलने वाला है। एक चीज़ आप और देखेंगे तो एसी वेंट्स जो है इनको थोड़ा सा टिल्ट किया गया है इधर की तरफ, तो इसका फ्लो डायरेक्ट जो ड्राइवर है उसके ऊपर आएगा और उसका जो है को ड्राइवर के ऊपर, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जब आप देखते हैं तो को ड्राइवर साइड आपको ये वैनिटी मिरर, ड्राइवर साइड जो है आपको टिकट होल्डर दिया गया है, ऑटो डिमिंग IRVM आपको मिल जाएगा, कैसे वर्क करता है अभी जैसे मैंने लाइट ऑन की है और पीछे से मैं सेंसर को दबा देता हूँ तो ये देखिए आप ये डार्क हो गया, इसको हटा दूंगा तो ये नॉर्मल, तो ऑटो डिमिंग IRVM आपको मिल जाएगा। ये काफ़ी अच्छा फीचर है मेरे हिसाब से, ये स्टैंडर्ड कर देना चाहिए। यहाँ पे लाइट्स मिल जाएंगी, फिर आपको एमरजेंसी और ब्रेकडाउन के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, और साथ ही आपको ये इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो भी आपको यहाँ पे ऑफर कर दी गई है। सो ये कुछ थे इस पंच ईवी के इंटीरियर्स। अब बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर, पावर ट्रेन और प्राइजेस के बारे में। सो अब सेफ्टी की बात करते हैं तो पंच आईसी इंजन के साथ जो आती है उसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है ग्लोबल NCAP के अंदर, लेकिन यहाँ पे प्लेटफॉर्म चेंज किया गया है तो इसका जैसे ही क्रैश टेस्ट होता है हम आपको अपडेट करेंगे। उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल CarQuest1 पे फॉलो कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट CarQuest India भी आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे 6 एयरबैग्स जो हैं आपको स्टैंडर्ड दे दिए गए हैं, ड्राइवर को ड्राइवर साइड एयरबैग्स, कर्टन एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिल जाएंगे, लॉन्ग रेंज के साथ All 4 Disc Brakes आपको मिलेंगी, मीडियम रेंज के साथ फ्रंट डिस्क और रियर जो है ड्रम ब्रेक्स आपको मिलने वाली है, ABS ब्रेक्स विद EBD ESP फंक्शनैलिटी आपको मिलेगी, हिल होल्ड हिल डिसेंट कंट्रोल भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। अब बात करते हैं पावर ट्रेन की, तो यहाँ पे एक PMS मोटर आपको मिलती है और उस PMS मोटर को पावर करती है लिथियम आयन बैटरी, तो 2 लिथियम आयन बैटरीज आपको मिलती है, एक मीडियम रेंज के लिए, अगर आपकी कम चलती है तो आप मीडियम रेंज के लिए जा सकते हैं, और एक लॉन्ग रेंज, तो अभी ये जो मेरे पास है ये इसका लॉन्ग रेंज वर्जन है, तो अलग अलग बैटरी पैक आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले मीडियम रेंज की बात करते हैं, वहाँ पे जो बैटरी पैक आपको मिलेगा 25 किलोवाट आर का बैटरी पैक मिलेगा, और वहाँ पे जो मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करेगा वो इलेक्ट्रिक मोटर आउटपुट जनरेट करेगा 60 किलोवाट की, लगभग 82 PS की, और जो टॉर्क निकल के आने वाला है 114 Nm का। फिर आप अगर लॉन्ग रेंज कंसिडर करना चाहें जो अभी ये मेरे पास है, तो बैटरी पैक का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा और साइज़ हो जाएगा 35 किलोवाट आर, और वहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलती है उस PMS मोटर की वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, वहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट जो निकल के आएगी, पावर जो निकल के आएगी लगभग 120 PS की, 90 किलोवाट आप जिसको बोल सकते हैं, और जो टॉर्क निकल के आएगा 190 Nm का। आपको ट्रांसमिशन जो है सिंगल स्पीड ही यहाँ पे देखने को मिलता है। वारंटी की बात करें तो 3 ईयर्स और 1.25 लाख किलोमीटर्स की आपको व्हीकल की वारंटी मिलती है, और बैटरी की और मोटर की जो वारंटी आपको दी गई है वो दी गई है 8 ईयर्स और 1.60 लाख किलोमीटर्स। बैटरी जो है IP67 रेटेड आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब बात आ जाती है सबसे मेन प्राइजेस की, तो जो सभी वेरियंट के प्राइजेस हैं सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसका टॉप वेरियंट है Empowered Plus S। मैं आपको Empowered Plus का प्राइस बताता हूँ, Empowered Plus का जो एक शोरूम प्राइस है 14,49,000 रुपीज़, यहाँ पे सनरूफ मिल रही है, तो जिन वेरिएंट के साथ आप सनरूफ ऑप्ट करना चाहते हैं, एडवेंचर से आपको सनरूफ का ऑप्शन मिलता है तो उस प्राइस में 50,000 जो है आप एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा, और साथ ही आपको ऑप्शन मिलता है फास्ट चार्जर का, तो फास्ट चार्जर आप ऑप्ट करना चाहें तो उसके लिए एडिशनल आपको 50,000 पे करना पड़ेगा। रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं आपने स्टेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो सब्सिडीज़ हैं वो वेरी करती हैं स्टेट टू स्टेट। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस पंच ईवी पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको कैसी लगी पंच ईवी ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।